प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के प्रचार का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया। देवास जिले के हाटपिपरिया में अपना शक्ति प्रदर्शन किया भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। चौहान का रोड शो हेलीपैड से खुली जीप में शुरू हुआ, नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराने बस स्टेशन पहुंचा, जहां सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने हाटपिपरिया की जनता से मनोज चौधरी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में हाटपिपरिया के विकास के लिए कमलनाथ ने मनोज को 1 रुपया तक नहीं दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने हाटपिपरिया विधानसभा में कई विकास कार्यों की सौगात दी है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। दबेगी तो एक वोट तो मनोज चौधरी को मिलेगा, दूसरा मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। तो बोलिए सब कमर किया, विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और जिस विश्वास से जो आज आपने भारतीय जनता पार्टी पे व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए, उस विश्वास को शिवराज सिंह चौहान कभी टूटने नहीं देगा। विकास भी होगा और कमलनाथ, मेरी बहनों, शिवराज जो कहता है वो करता है। और इसलिए हाटपिपरिया की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाटपिपरिया में शुद्ध नर्मदा मैया का पानी पाइप लाइन बिछा के घर घर नल लगा के दिया जाएगा, ये मेरा आपको वचन है। एक माह से यहाँ पर मैदानी संभाले हुए हैं, तो क्या लगता है, क्या आप भी एक युवा उसको लिए भी बहुत मुख्य चेहरा है? देखिए, मनोज चौधरी जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और उसने हाटपिपरिया के विकास के लिए दल बदला है, लेकिन जनता ने उसके प्रति अपना दिल नहीं बदला है। जनता के दिल में आज भी मनोज चौधरी बसे हुए हैं और इसलिए युवाओं का अपार जन समर्थन मनोज चौधरी को मिल रहा है। जितनी शालीनता सौम्यता एक नेता में होना चाहिए आज के समय में, जिसके दर्शन बहुत कम होते हैं, वो शालीनता और सौम्यता मनोज चौधरी में मौजूद है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जीत मनोज चौधरी की है। अभी कल जो बड़ोठा में एक सभा हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, 5 बार यहाँ पर आकर रोड शो और सभाएं करनी पड़ी। देखिए, मुख्यमंत्री जी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, रही बात 4 या 5 बार आने की, तो ऐसा नहीं है। सभी क्षेत्रों में उनकी मांग हो रही है, जहाँ पर उनकी मांग ज़्यादा हो रही है और वहाँ उनकी समय की अनुकूलता है, वहाँ पर आने के लिए समय दे रहे हैं। हालांकि देवास जिले में एक ही विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव हो रहा है, हाटपिपरिया में बार बार उनकी मांग हो रही थी कि आप अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हमारे स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े नेता हैं और इसलिए उनको हमने यहां पर आमंत्रित किया था। आज बहुत सफल रोड शो भारतीय जनता पार्टी कराया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।